कमाल का है ये वीडियो, इसलिए इसको आखिरी तक देखिएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे पप्पू यादव का ऐसा कमाल जिससे हो गया पूरा जनता खुश। ज्योति सिंह और उनके पापा ने मिलके पवन सिंह का सारा प्लानिंग कर दिया फुसफुस, और पवन सिंह का गाना इतना नया नया रिकॉर्ड बनाया कि सारे सुपरस्टारों का स्टार्डम गया पता नहीं कहां घुस। सच में बहुत कमाल का वीडियो है, तो आखिरी तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के भावनाओं में खो जाए उससे पहले इस वाले वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में। इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे पूरे बिहार के लोग खुश हो गए। आप इस बात को तो देख ही रहे होंगे किस तरीके से बिहारी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे रेलवे में कभी परेशान हो गए, कभी हॉस्पिटल में परेशान हो गए, कभी बाढ़ से परेशान हो गए। सबसे निजात दिलाने के लिए पप्पू यादव ने सीधे अपना नंबर बांट दिया, 0645431588, 06454315488, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। ये हेल्पलाइन मैं आपको दे रहा हूँ पूरे बिहार को, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ हमारा रिलीफ टीम आप तक हर जिले में है वो पहुँचेगा। बिहारी लोगों को परेशान देख के पप्पू यादव बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और सीधे गुस्सा के बोलने लगे कि विदेश में जाकर दारू पीने के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन बिहारी लोग जब बाढ़ में डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए समय नहीं है। इतना ही नहीं, कहें अभी अगर इलेक्शन आ जाए तो इस सारा नेता मंत्री के घर से करोड़ों रुपया निकलने लगेगा, लेकिन बाढ़ में मदद करने के लिए एक आदमी नहीं तैयार हो रहा है। मेरे पास जब तक सांस है आपको भूख से मरने नहीं देंगे। सही बात है भाई, अगर सारे सांसद और विधायक लोगों की मदद करने लगे तो बिहार में बाढ़ से लोग परेशान होंगे ही नहीं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं इतना बड़ा, जी हाँ इतना बड़ा छेद प्रकाश के बारे में। याद ही होगा कैसे तेजू भैया से भाई अपना इंटरव्यू लेने गया था, और तेजू भैया ने जो रगेदा था इसको, एकदम माइक वाइक लेके अपना पूरा झोले कमंडल लेके गाड़ी से भागा था। ये ना कहाँ भाग रहा है, अरे वेद जी कहाँ भाग रहे हैं, दिखाओ 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 वहाँ ले जाके दिखाओ। इस वाले मुद्दे पे तेजू भैया ने बात किया और कहा कि हैं आजकल तो उसका नाम सब छेद प्रकाश रख दिया है, उसको लोग छेद कहता है, छेद प्रकाश, वेद प्रकाश का नाम रख दिया सब छेद प्रकाश। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हम तो बस 2 मिनट बात करना चाहते थे, कि हमेशा इंटरव्यू तो आप माइक कैमरा के साथ लेते ही हैं, चलिए 2 मिनट कुछ बात करना है, लेकिन इतना भारी डरपोक था कि वो भाग गया। फिर शुभंकर मिश्रा पूछते हैं, फिर से अगर ये आया इंटरव्यू लेने तो आप क्या दीजिएगा इंटरव्यू, तो तेजू भैया कहते हैं कि ना अब वो आएगा तो उसको इंटरव्यू नहीं देंगे, अब हम उसका इंटरव्यू लेंगे। तो हम यहीं से कहना चाहते हैं जा छेद भाई बोलावा था, दे दिया इंटरव्यू। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं जमीन सर्वे के बारे में। जब से जमीन सर्वे पर रोक लगा है बहुत सारे लोग निश्चिंत हो गए कि बिहार में इतना आसानी से थोड़े हो जाएगा जमीन सर्वे, अब जमीन सर्वे उर्वे कराने का जरूरत नहीं है। उस पे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्लियर शब्दों में कह दिया, देखो भैया आप लोगों को 180 दिन का मुहलत मिला हुआ है, जल्दी जल्दी कागज खोज लीजिए, क्योंकि जितना भी विवादित जमीन होगा, जितना भी कब्जा वाला जमीन होगा, सबको छोड़ा के और दिया जाएगा बिहार के गरीब लोगों को। इतना ही नहीं, 37 एकड़ मतलब लगभग 95 बीघा से ज्यादा किसी बिहार के इंसान के पास जमीन नहीं हो सकता है। क्या दो, ये श्री बाबू ही नियम लगाए गए थे कि रजवाड़ा वाला शासन नहीं चलेगा, तो जमीन सर्वे तो आज कराइए, 6 महीना बाद कराइए या फिर 20 साल बाद कराइए, कराना ही होगा। और गलत तरीके से जमीन कब्जा किए हैं तो उसको छोड़ना ही होगा। खैर, जमीन सर्वे अच्छा है कि बुरा है नीचे कमेंट कीजिए, और हाँ जितने लोग निश्चिंत थे उनको ये वाला वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि जमीन सर्वे होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर्वे आज कराइए, कल कराइए, 20 साल बाद कराइए। हमारे यहाँ सीलिंग एक्ट के बाद 37 एकड़ से अधिक का मालिक नहीं हो सकता। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में, ये इनका नया वाला लुक। देखो दरअसल बात यह है, मनोज तिवारी हर साल नाटक में भाग लेते ही रहते हैं, तो आप देखते ही रहते होंगे इंटरनेट पे। इस बार भी दिल्ली में होने वाला है रामनवमी, जिसमें मनोज तिवारी जो है वो निभाएंगे भगवान परशुराम का अभिनय, और जिसके लिए ये तैयार हो रहे हैं और सच बता रहे हैं अगर इसका यूट्यूब पे प्रसारण किया जाएगा तो उसको हम जरूर कवर करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं मनोज तिवारी का लुक, मजा आएगा इनको परशुराम भगवान के लुक में देखने में। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के गाने के रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, कमजोर दिल वाले इसके आगे का वीडियो ना देखें, क्योंकि हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ सकता है। तो चलिए इस गाने के रिकॉर्ड को धीरे धीरे चल के गिनवाते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं पहले घंटे का रिकॉर्ड। 1 घंटा में इस गाने पे व्यूज था 8,75,000, 2,41,000 लाइक, 55,000 कमेंट और 7 नंबर पे ट्रेंडिंग में। देखो भाई पहले ही बता दिए हैं दिल का दौरा पड़ेगा तो मेरा भागी नहीं। चलिए अब दिखाते हैं 7 घंटे का रिकॉर्ड। 7 घंटे में इस गाने पे था 10 मिलियन व्यूज, इतना ही नहीं 4,78,000 लाइक और 86,000 कमेंट। देख लो भाई, अभी भी देख रहे हो तो हम एक बार दोबारा से बता देना चाहते हैं, मेरा कोई भागी नहीं होगा। अब बताने जा रहे हैं 19 घंटा का रिकॉर्ड। 19 घंटा में 20 मिलियन
मिलियन व्यूज, इतना ही नहीं 662,000 लाइक और 105,000 कमेंट। और बात करें ट्रेंडिंग सेक्शन का, तो वो तो पहले ही घंटे में 7 नंबर पे चला गया था और 1.5 घंटा मुश्किल से लगा होगा 2 नंबर पे जाने में। तो वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे एकदम अभी का करंट सिचुएशन वाला व्यूज देख सकते हैं। पूरा बॉलीवुड डगमगा चुका है जिस तरीके से पवन सिंह गाने पर रिस्पॉन्स आ रहा है। लाइक भी देख लीजिए, कमेंट भी देख लीजिए और ट्रेंडिंग सेक्शन में अपना खूंटा ठोक कर गड़ा हुआ भी देख लीजिए। देखो पवन सिंह के गाने पे एकदम प्यारा सा फुल वाला रिव्यू आया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए RSM फिल्म वाले, आपको ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये बड़ा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, चलिए दोस्त अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। क्या ज्योति सिंह ने पवन सिंह को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया जिसको लेकर पवन सिंह आज रिएक्ट कर दिए, मतलब बोलने पर मजबूर हो गए? देखिए हम आपको शुरू से बताते हैं क्या मामला हुआ। देखिए अभी फिलहाल इलेक्शन के बाद से सबसे पहले तो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ ज्योति सिंह का, जिसमें वो तरह तरह की बातें जो है, आरोप जो है, वो और अरे लोगों इंक्लूड पवन सिंह पे लगा रही थी कि हमको घर से निकाल दिया ये वो दिस दैट। उसके बाद पवन सिंह ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो फिर ज्योति सिंह के पिताजी जो है वो इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में क्या बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं। अब देखिए वो डायरेक्टली पवन सिंह पे तो आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे बेटी ज्योति सिंह के नाम से जो है वो पवन सिंह एक म्यूजिक कंपनी खुलवा दिए थे, लेकिन जब से दुनिया बढ़ा है तब से पता नहीं कौन उस चैनल पर स्ट्राइक मार रहा है। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह जो है वो डिप्रेशन का दवाई खा रही है और अपने बारे में, अपने पूरे परिवार के हाल के बारे में बताते हुए कहे कि जिस बेटी का परिवार उजड़ जाएगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा, वो कैसे खुश रह सकता है, मतलब हमारे परिवार भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इंटरव्यू में ज्योति सिंह के पापा बताते हैं। जिसका घर न बसे, जिसका पति छोड़ दिया हो, उसको तो डिप्रेशन होगा ही। इंटरव्यू के 15 से 16 घंटे बाद जहां पवन सिंह का पूरा दुनिया वाहवाही कर रहा है, उनका गाना सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, देवी गीत सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन पवन सिंह का फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि कुछ इस प्रकार से पोस्ट करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया है। अब बहुत सारे लोग जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये ज्योति सिंह के लिए ही लिखा हुआ होगा, लेकिन अब अंदर का बात कौन ही जानता है, क्योंकि पवन सिंह ने किसी का नाम नहीं लिखा था। चलो दोस्त अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। बताओ यार, गाना पवन सिंह का आ रहा है, रेल खेसारी लाल यादव जा रहे हैं। अब वीडियो पर वीडियो आएगी, उसमें क्या होगा? नहीं, खेसारी लाल यादव से सब लोग एकदम अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में ही वीडियो बनाते थे ये क्या किए हैं पवन सिंह के गाने के नीचे कमेंट, वो पढ़ के बताते हैं। ये आज 50 मिलियन तय है, दिल 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 पावर स्टार के फैंस आज रिकॉर्ड दिखा दो, शुरू अब छेछरी भाई देखिएगा रिकॉर्ड। वॉइस ऑफ 16,000 लोगों ने इनके कमेंट पे लाइक किया है, मतलब आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग इनके बातों से सहमत हैं। खैर खेसारी लाल यादव को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, इन्होंने भी राजा राम फिल्म बना के बहुत बड़ा काम किया है भोजपुरी भाषा के लिए, जिसपे हमने डिटेल में बात किया है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कहां जाके देखना है, नहीं तो अब ये भाग जाओगे। इस वीडियो को लास्ट में देखो, आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्त अब बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। आपको तो याद ही होगा खेसारी लाल यादव शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए थे, तो अक्षरा सिंह पे टिक्का टिप्पणी करते हुए कहे थे कि अच्छा आज अक्षरा सिंह इतना बड़ा हीरोइन बन रही है, उनका करियरवा कौन बनाया है। उस पे अक्षरा सिंह ने रिएक्ट करते हुए भाई साहब क्या बोल दिया, तो जरा बता दीजिएगा जो भी एक्स वाई जेड का नाम ले रहे हैं कि करियरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है। भाई साहब कोई सीरियस लेता ही नहीं है खेसारी लाल यादव को, यार बताइए यार, वो भी सुपर स्टार है, इस तरीके से मुंह बना बना के कौन मजाक उड़ाता है यार, करियरवा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बाबा अनिरुद्धा 4G ऑन बिग बॉस। जी हाँ, सलमान खान का पत्नी खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि सलमान जी आपका इस बार ऐसा पत्नी खोजेंगे कि भागेगी नहीं, और वहां पे तगड़ा वाला नोक झोंक हो रहा था। लेकिन आप लोगों को बता दे अनिरुद्धा 4G जो है वो बिग बॉस में सिर्फ बाहर बाहर के लिए गए हैं, अंदर घर में नहीं जाएंगे, तो आपको ज्यादा फनी चीज देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही सलमान खान के साथ अनिरुद्धा 4G का फोटो आया, एक वीडियो भी वायरल होने लगा, क्या था खुद देख लो ना। और ये उपदेश करेंगे कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाना, हाँ इनका उपदेश आप लोग ही सुनते रहो बस। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं जहाज एक्सीडेंट, जिसको देखने के बाद पूरे इंडियन लोग शॉक्ड हो गए कि भाई साहब मतलब ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वाला जहाज आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे 90% लोग जो हमारे एज के हैं, चाहे हमसे बड़े भी हैं, वो इस पे घूमे हुए हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा नदी में ये चलते रहता है, और इसका एक्सीडेंट लोगों को झकझोर दिया कि नहीं भाई अब तो हम इस वाले जहाज पे बैठेंगे नहीं। जानते हैं 78 लोगों की जान चली गई इस जहाज एक्सीडेंट में, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये वीडियो है कहाँ का, पूरा मामला क्या है।
देखो दोस्त, ये वाला जो वीडियो है वो इंडिया का नहीं है, ये अफ्रीका का वीडियो है। कांबो के किबू झील में जो है वो इस तरीके से ओवरलोडिंग करके जहाज को चलाया जा रहा था, ओवरलोडिंग की वजह से इस तरीके से हुआ। और इंडिया में कहीं भी ओवरलोडिंग करके इस तरीके से नहीं चलाया जाता है, और अफ्रीका में इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि ये जहां दुर्घटना हुआ है वो दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब कंट्री है। जहाज आया, सब लदा गया, बुड़ गया पानी में। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं, बात है तो साफ है। हुआ ये, जहानाबाद में एक मुखिया जी जो है वो चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए तो कहे, अच्छा बेटे, गाड़ी उमकाने के लिए हमारा रोड, दौड़ के जाने के लिए हमारा रोड, आ दे दोगे दूसरा को वोट। मुखिया जी हारे, पूर्व मुखिया क्या किए, बजाबते जाना रख के, मजदूरी रख के, पूरा छेनी हथौड़ी से जितना रोड बनवाए थे सब उखड़वा दिए। खैर, लोग गए थाना में आवेदन देने, पता ना ये जुर्मला कौन धारा लगी। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपको पवन सिंह के गाने का रिव्यू देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दो, अगर खेसारी लाल यादव के राजा राम का रिव्यू देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दो। और अब देखो वायरल वीडियो। I think that's how it is. That's how I say it.